तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल पर। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो कि एमएसएन या मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से रिलेटेड है, क्योंकि आपके हाल ही में बेटा एग्जाम आने वाले हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज आपकी चल रही है। तो हर बार की तरह एक पॉजिटिव थॉट के साथ में हम क्लास की शुरुआत करेंगे, जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें ही होती है सफलता, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। स्टूडेंट्स हमेशा याद रखें, यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है तो अपने वक्त को बदलना है, अपने हालातों को बेटा अपने अनुकूल बना लेना है, ठीक है। तो इसी पॉजिटिव थॉट के साथ में आज हम शुरुआत करते हैं पेरिटोनाइटिस की। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल पेरिटोनाइटिस होता क्या है ये समझिए। देखिए पेरिटोनाइटिस दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक तो है बेटा पेरिटोनियम, एक वर्ड है पेरिटोनियम और एक वर्ड है आइटिस, जिसमें पेरिटोनियम जो होती है वो क्या है, लेयर है बेटा। पेरिटोनियम क्या है, लेयर है, और कैसी लेयर है, सीरस लेयर है। पेरिटोनियम क्या है, एक सीरस लेयर है जो फ्लूड सीक्रेट करती है, जो एब्डोमिनल कैविटी के ऑर्गन्स को कवर करके रखती है, जो एब्डोमिनल कैविटी के ऑर्गन्स को लाइन करती है, उस लेयर को बोला जाता है पेरिटोनियम। यदि किसी पेशेंट के पेरिटोनियम में आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन हो जाए, क्या हो जाए बेटा, इन्फ्लामेशन हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, पेरिटोनाइटिस। क्या बोलेंगे, पेरिटोनाइटिस। तो क्लियर है पेरिटोनाइटिस क्या है, इट इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिटोनियम। पेरिटोनियम क्या है, एक थिन मेम्ब्रेन है, एक सीरस मेम्ब्रेन है, जो एब्डोमिनल कैविटी के ऑर्गन्स को कवर करने का काम करती है। उसका जो सबसे बड़ा कारण है पेरिटोनाइटिस का, वो है बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन, मतलब बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन इसका सबसे बड़ा कॉज बनता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब बात आती है इसकी डेफिनेशन की, तो इट इज द एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिटोनियम लेयर एंड पेरिटोनियल कैविटी। यदि किसी पर्सन में पेरिटोनियम लेयर या पेरिटोनियल कैविटी में एक्यूट या क्रॉनिक इन्फ्लामेशन देखने को मिले, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं बेटा पेरिटोनियल पेरिटोनाइटिस। अब देखिए पेरिटोनियल कैविटी क्या है, पेरिटोनियल कैविटी को बेटा एब्डोमिनल कैविटी के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी के नाम से जानते हैं। और ये जो एब्डोमिनल कैविटी है इसको हम मैजिक बॉक्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, मैजिक बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे यानी ऑर्गन प्रेजेंट है, जैसे कि लिवर है इसके अंदर, ठीक है, इंटेस्टाइन्स है, ठीक है, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास, स्प्लीन, स्टमक एटसेट्रा, बहुत सारे बेटा इसके अंदर ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको हम मैजिक बॉक्स के नाम से जानते हैं। क्लियर है, तो इसी को कवर करने वाली, इन सभी ऑर्गन्स को बेटा कवर करने वाली जो लेयर है उसे ही हम पेरिटोनियम कहते हैं। यदि उसके अंदर इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन देखने को मिलेगा तो उसे हम बोलेंगे पेरिटोनाइटिस। क्लियर है, चलिए अब बात आती है इसके कॉज की या टाइप्स की। तो टाइप्स और कॉज साथ में पढ़ेंगे, तो सबसे पहला है बेटा प्राइमरी कॉज। सबसे पहला कॉज क्या है, प्राइमरी कॉज। तो प्राइमरी पेरिटोनाइटिस अकर्स व्हेन एन इन्फेक्शन इज स्प्रेड फ्रॉम ब्लड एंड लिम्फ नोड। याद रखिएगा प्राइमरी का मतलब क्या है, प्राइमरी पेरिटोनाइटिस का मतलब यदि इन्फेक्शन ब्लड या लिम्फ नोड से फैले, या तो पर्सन के ब्लड के द्वारा या लिम्फ नोड के द्वारा, या ब्लड और लिम्फ नोड को भी बेटा अफेक्ट कर दे सीधा सीधा, ठीक है, वो कहलाता है प्राइमरी। और जो प्राइमरी है वो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन जिसको सेप्टिसीमिया कहते हैं, और सिरोसिस विद असाइटिस, यानी सिरोसिस के साथ में असाइटिस होना। असाइटिस का मतलब क्या होता है, असाइटिस का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन पेरिटोनियम, पेरिटोनियम के अंदर फ्लूड का कलेक्शन हो जाना। क्लियर है, उसके बाद में अब बात आती है सेकेंडरी की। तो सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस कब होता है, जब पेरिटोनियम इन्फेक्शन के संपर्क में आती है। तो ये इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, परफोरेशन ऑफ एब्डोमिनल वॉल। परफोरेशन मींस क्या होता है, डैमेज या रप्चर होना। परफोरेशन मींस क्या होता है, डैमेज या रप्चर होना। परफोरेशन मींस क्या है बेटा, डैमेज या रप्चर होना। क्लियर है, तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, पहला है ट्रोमा। ट्रोमा मींस क्या होता है, चोट लगना। यदि किसी पर्सन के ट्रोमा हुआ, चोट लगी, एक्सीडेंट हुआ, तो उस वजह से
पर्सन के एब्डोमिनल वॉल में, एब्डोमिनल वॉल में परफोरेशन देखने को मिलेगा जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। अगला है सर्जिकल ट्रॉमा, माने सर्जरी करते समय हो सकता है कोई इंजरी हो। अगला ड्यू टू द केमिकल इरिटेशन, यानी किसी पेशेंट को यदि कोई केमिकल इरिटेशन हुआ है, जैसे कि रप्चर हुआ अपेंडिक्स, अपेंडिक्स का रप्चर होना, परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर का परफोरेट होना। अगला बॉबल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, बॉबल्स का ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है बेटा, केमिकल इरिटेशन ऑफ पेरिटोनियम, पेरिटोनियम का केमिकल इरिटेशन से, ठीक है, क्लियर है। अब बात आती है और अगला, इसके अलावा पेनक्रियाटाइटिस, यदि किसी पर्सन में पेनक्रियाटाइटिस है तो उसकी वजह से भी सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस होता है। पेरिटोनियल डायलिसिस है यदि किसी पर्सन की हुई है तो उसकी वजह से भी होगा। अगला कॉज है पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिसीज और अगला है स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया, ठीक है बेटा। ये सभी कॉज किसके हैं, ये सभी के सभी कॉज हैं आपके पेरिटोनाइटिस के, है ना, पेरिटोनाइटिस के कॉज हैं ये सभी के सभी, ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट बात आती है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम की। उसके साइन एंड सिम्टम क्या रहेंगे, सबसे पहला है एब्डोमिनल पेन, यानी किसी भी पर्सन के एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, पेट के अंदर, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पेन होना, दर्द होना। अगला है मस्कुलर रिजिडिटी एंड स्पाज, यानी मसल्स का बेटा रिजिड हो जाना या मसल्स का स्पाज हो जाना। नेक्स्ट है वोमिटिंग, नेक्स्ट है बेटा क्या, वोमिटिंग, वोमिटिंग मीन्स होता है उल्टी आना या रिफ्लेक्स कह सकते हो आप, गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स भी कह सकते हो। नेक्स्ट है ओलिगो यूरिया, ओलिगो यूरिया का मतलब क्या होता है, ओलिगो यूरिया का मतलब होता है डिक्रीज या लेस अमाउंट ऑफ यूरिन, यदि किसी पर्सन में, यदि किसी पर्सन में यूरिन क्या हो बेटा, यूरिन क्या हो, लेस हो, कम अमाउंट में सीक्रेट हो, तो उसे हम कहते हैं ओलिगो यूरिया। अगला सिम्टम आएगा इसके अंदर वीकनेस, अगला आएगा टेंडरनेस और उससे अगला आएगा नोजिया, ठीक है बेटा। उसके बाद इंक्रीज टेम्परेचर एंड पल्स रेट, डिक्रीज वोवल साउंड और पेलर एंड कोल्ड स्किन, ये सभी के सभी साइन किसमें आएंगे, पेरिटोनाइटिस के साइन है, क्लियर है। चलिए उसके बाद में बात करते हैं हम डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन या डायग्नोसिस की। किसी भी पर्सन को जिसको पेरिटोनाइटिस है तो उसका क्या डायग्नोसिस करेंगे, पहला है प्रेजेंस ऑफ साइन एंड सिम्टम, यानी लक्षणों को पहचानेंगे, लक्षणों को समझेंगे। अगला ब्लड इन्वेस्टिगेशन, जैसे कि हीमोग्लोबिन, पीएलसी, डीएलसी, ईएसआर, यानी हीमोग्लोबिन, टोटल ल्यूकोसाइटिक काउंट, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइटिक काउंट और ईएसआर, इन सभी चीजों का हम क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अगला है एब्डोमिनल एक्सरे, मतलब पेशेंट की एब्डोमिनल कैविटी का एक्सरे निकालेंगे और देन उसके बाद में हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे, पता करेंगे कि किस कॉज की वजह से, किस कारण की वजह से पर्सन के अंदर पेरिटोनाइटिस है। अगला है अल्ट्रासोनोग्राफी, यूएसजी, अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू हम यदि पेनक्रियाटाइटिस हुई है उसका पता कर सकते हैं, या अदर कोई कंडीशन डेवलप यदि ऐसी हो गई है जिसकी वजह से पेरिटोनियम में इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन की कंडीशन डेवलप हो रही है तो उसका पता हम इससे कर सकते हैं। और नेक्स्ट है पेरिटोनियोस्कोपी, मतलब हम पेरिटोनियम का सीधा सीधा क्या करेंगे, स्कोपी करेंगे, स्कोपी मतलब डायरेक्ट विजुलाइजेशन करेंगे बेटा। जब डायरेक्ट विजुलाइजेशन होगा तो हमें क्लियरली पता चल जाएगा परफोरेशन है या कोई इन्फेक्शन है, ठीक है। चलिए उसके बाद में बात आती है कॉम्प्लिकेशंस की। तो पेरिटोनाइटिस की वजह से हाइपोवोलेमिक शॉक की कंडीशन में जा सकता है मरीज, इंट्रा एब्डोमिनल एब्सेस हो सकती है, सेप्टिसीमिया हो सकता है, सेप्टिसीमिया का मतलब क्या होता है, ब्लड इन्फेक्शन, ठीक है, सेप्टिसीमिया का मतलब क्या है बेटा, ब्लड इन्फेक्शन, ठीक है, ब्लड इन्फेक्शन। उसके बाद में ऑर्गन फेलियर, ऑर्गन फेलियर का मतलब हो गया ऑर्गन्स का फेल हो जाना, ठीक है, ऑर्गन फेलियर मतलब किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन का काम न करना, वर्क ना करना, ठीक है। उसके बाद में अब बात आती है ट्रीटमेंट की। तो देखिए इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, हम पेशेंट को हम बेटा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देंगे, किसके लिए, इन्फेक्शन से बचाव के लिए, ठीक है, इन्फेक्शन से बचाव के लिए, जैसे कि एमोक्सिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन, क्या क्या दे सकते हैं हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में, हम इन्फेक्शन, जैसे कि भाई इन्फेक्शन से बचाव करेंगे तो एमोक्सिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ठीक है। अगला है रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट, फ्लूड इलेक्ट्रोलाइट का बेटा रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। अगला है एनाल्जेसिक्स फॉर पेन, पेन के लिए हम पर्सन में एनाल्जेसिक दे सकते हैं, ठीक है। अगला एंटीमेटिक फॉर वोमिटिंग, वोमिटिंग के लिए, यानी अगर मरीज को उल्टी आ रही है तो उसके लिए हम एंटीमेटिक रख देंगे। नेक्स्ट सक्सनिंग बाय द एनजी ट्यूब, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू हम सक्सन कर सकते हैं पर्सन में। अगला एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस टू रिमूव फ्लूड, यानी फ्लूड को रिमूव करने के लिए हम एब्डोमिनल कैविटी में से पैरासेंटेसिस करेंगे, मतलब फ्लूड को बाहर निकालेंगे, ठीक है बेटा। अगला है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यदि जरूरत है, यदि लग रहा है कि पेशेंट के अंदर खून की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, तो पेशेंट के अंदर हम क्या करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन बेटा करा सकते हैं, ठीक है। अगला है ऑपरेशन प्रोसीजर,
अब फॉर क्लोजर परफोरेशन रिमूव इंफेक्शन सोर्स, मतलब यदि किसी पर्सन के कोई इंफेक्शन सोर्स है जैसे कि इंफ्लाम्ड ऑर्गन है, कोई ऑर्गन इंफ्लाम्ड है, नेक्रोसिस है उसके अंदर, तो ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या करेंगे बेटा, सर्जरी करके शरीर से रिमूव कर देंगे, बाहर कर देंगे। अगला है प्रोवाइड बेड रेस्ट, मतलब पेशेंट को बेड रेस्ट देंगे और प्रोवाइड लैक्सेटिव स्टूल सॉफ्टनर, मतलब मरीज को हम लैक्सेटिव और स्टूल सॉफ्टनर दे सकते हैं। दैट इज क्लियर, यानी हमने हम समझ लिया बेटा मैनेजमेंट के बारे में, यानी पेशेंट का हम मैनेजमेंट किस प्रकार से किस आधार पर करेंगे। क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद में बात आती है नर्सिंग मैनेजमेंट की। देखिए नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे रहेगा इसका, नर्सिंग डायग्नोसिस क्या रहेगी, एक्यूट पेन रिलेटेड टू पेरिटोनियल इन्फ्लामेशन, मतलब मरीज को जब पेरिटोनियम में इन्फ्लामेशन हो रहा है तो पेरिटोनियम में इन्फ्लामेशन के कारण पेशेंट में क्या होगा, एक्यूट पेन होगा, मतलब तेज दर्द होगा, अचानक होगा। अगला फ्लूड वॉल्यूम एफिशियंट रिलेटेड टू वॉमिटिंग एंड इंटरस्टीशियल फ्लूड शिफ्ट, मतलब पेशेंट में वॉमिटिंग की वजह से क्या होगा, फ्लूड की कमी आएगी, वॉमिटिंग की वजह से बेटा पानी की कमी आएगी, फ्लूड की कमी आएगी। अगला इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन द बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू जीआई सिम्टम, सॉरी जीआईटी जीआई सिम्टम सिम्टमेटो सॉरी सिम्टमेटोलॉजी, मतलब सीधा सीधा क्या हुआ कि इसमें हम इम्बैलेंस न्यूट्रिशनल डाइट, यानी न्यूट्रिशनल डाइट बेटा क्या होगी, इम्बैलेंस होगी, यानी जब प्रॉपर पेशेंट के अंदर न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा तो न्यूट्रिशन डिसबैलेंस होगा, साथ में पेरिटोनाइटिस की वजह से ऑर्गन इन्फ्लामेशन की वजह से पेशेंट प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन नहीं ले पाएगा, है ना, तो जिससे जीआई सिस्टम डिस्टर्ब होगा और उससे क्या होगा, रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू इनवेसिव प्रोसीजर जैसे कि पैरासेंटेसिस, मतलब यदि किसी पर्सन की हमने क्या किया बेटा, पैरासेंटेसिस करी है। पैरासेंटेसिस का मतलब क्या होता है कि एब्डोमिनल कैविटी को से अंदर से, सॉरी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर से फ्लूड को बाहर निकालना, उस समय भी सेकेंडरी इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है। अगला है एंजाइटी रिलेटेड टू फियर ऑफ डेथ एंड सिचुएशनल क्राइसिस, यानी पेशेंट के अंदर मरने का डर और सिचुएशनल क्राइसिस, ये भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट पेरिटोनाइटिस, आज हमने पेरिटोनाइटिस के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक हम बेटा नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करिए, और मिनी अटेम्प्ट को बेटा इसी तरह से प्यार देते रहिए। थैंक यू वेरी मच।